जय श्री माँ। आज हम देखने वाले हैं ओमपुरी नगरी को। ओमपुरी नगरी गुजरात में खेड़ा में मातर गांव के पास वात्रक नदी के किनारे बनी हुई है। श्री माँ ने ओमपुरी नगरी के बारे में मैसेज दिया है, अ सिटी फॉर द डिवाइन वेयर वी एस्पायर फॉर द डिवाइन, लिव फॉर द डिवाइन, एक्ट फॉर द डिवाइन। ओमपुरी नगरी बनाने की प्रेरणा दी थी सुंदरम ने। सुंदरम का पूरा नाम त्रिभुवनदास पुरुषोत्तम दास दोहार था। वो गुजरात के बहुत ही जाने माने कवि थे। 1945 में सुंदरम आश्रमाइट बने। बहुत ही कम आयु में उन्होंने श्री अरविंद का योग पसंद किया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि श्री अरविंद ने उनको पसंद किया। ओमपुरी में प्रवेश करते ही मेडिटेशन हॉल और ओल्ड गेस्ट हाउस दिखाई देता है। यहाँ पे खुली जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे और झूले लगाए हुए हैं। लेक्चर के सभी सेशंस भी यहीं होते हैं। 1930 में माँ ने एक स्वप्न देखा था कि एक ऐसा नगर होना चाहिए जहाँ पे दुनिया भर के अभिप्सु सत्य की सेवा कर सके, अपना जीवन सत्य की सेवा में व्यतीत कर सके। माँ का स्वप्न था कि शुरुआत आदर्श नगर से होगी और बाद में वह पूर्ण जगत बनेगा। अखंड भारत का नक्शा यहाँ पे बना हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेडिटेशन हॉल। ओमपुरी में मेडिटेशन के लिए यहाँ पे मेडिटेशन हॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे माँ ने ओमपुरी को जो आशीर्वाद दिए थे वो ओरिजिनल यहाँ पे रखे हुए हैं। और माँ के जो चार स्वरूप है वो चार स्वरूप के फोटोज़ भी माँ ने ओमपुरी को दिए हुए आशीर्वाद के आसपास रखे हुए हैं। सुंदरम ने जब माँ के स्वप्न के बारे में पढ़ा तब उन्हें लगा कि ऐसा एक नगर गुजरात में होना चाहिए और वहाँ से ओमपुरी की सूक्ष्मों में रचना का प्रारंभ हुआ। सुंदरम जब ओमपुरी आते थे तो जिस चेयर पे सुंदरम बैठते थे वो चेयर यहाँ पे रखी हुई है। माँ श्री अरबिंदो के फोटोज भी यहाँ पे रखे हुए हैं। 1967 में जब नर्मदा के किनारे पर गंगनाथ में श्री अरविंद शिविर सुंदरम ने की, तब शिविरार्थियों ने सुंदरम को कहा कि वो भी एक नगर की अभिप्सा कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने माँ को एक पत्र लिखा। सुंदरम ने पौंडीचेरी जाकर माँ को ये पत्र दिया और माँ ने ओमपुरी नगर की रचना के लिए अप्रूवल दिया। ओमपुरी नाम भी माँ ने ही दिया है। ओमपुरी माँ के आशीर्वाद से ही मिला है, इसीलिए सुंदरम ओमपुरी को विराट जननी भी कहते थे। ओमपुरी को अतिमनस नगर भी कहा जाता है। दुनिया में सिर्फ ऐसी दो ही नगरी है जिसको माँ ने अप्रूवल दी है, एक है ओरोविल और दूसरा है ओमपुरी। 11 नवंबर 1983 को इस जगह का खात्मुहूर्त हुआ
सुबह 9 बजे माताजी के लायन चंपकलाल के हाथों इस जगह का खात मुहूर्त किया गया। ये वही जगह है जहाँ पे खात मुहूर्त हुआ था। ये जगह महामंदिर के पास आई हुई है। यहाँ पे गुजरात के अलग अलग शहरों से मिट्टी लाकर रखी गई है। ये दरवाज़ा महामंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पे चंपकलाल जी ने ओमपुरी का खात मुहूर्त किया था और सभी लोग जो गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे वो अपने साथ अपने डिस्ट्रिक्ट की मिट्टी भी लाए थे, तो वो यहाँ पे इसके अंदर रखी गई है। सुंदरम कहते हैं कि जब माँ ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमें एक नगरी बनाने की परमिशन दी और नगरी को ओमपुरी नाम भी दिया, तो सुंदरम कहते हैं कि उनको जान ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई अनंत खंड मिल गया है। माँ ने नगरी बनाने की परमिशन दे दी थी, पर अभी कहाँ पे ये नगरी बने ये तय नहीं था। गुजरात में कई जगहों पर सुंदरम घूमे, कई जगहों पर उन्होंने जमीन देखी। बाद में उनको मातर में वात्रक नदी के पास ये ज़मीन पसंद आई। ये 23 एकड़ में फैली हुई जगह है। अब हम देखते हैं श्री अरविंद महामंदिर। श्री अरविंद महामंदिर ओमपुरी के सेंटर में बना हुआ है, जिसका निर्माण बालकृष्ण दोषी ने किया है। बालकृष्ण दोषी गुजरात के जाने माने स्थपति है। ओरोविल के केंद्र में जैसे मातृ मंदिर है, वैसे ही ओमपुरी के केंद्र में श्री अरविंद महामंदिर है। श्री अरविंद महामंदिर में सुबह और शाम आधे घंटे का मेडिटेशन होता है। मदर के ऑर्गन म्यूज़िक पे यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। महामंदिर के अंदर एक तरफ श्री अरबिंदो का बस्ट है और दूसरी तरफ श्री अरबिंदो के श्राइन है। एक तरफ बैठने के लिए मेडिटेशन करने के लिए जगह है और दूसरी तरफ बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है। ये गार्डन भी महामंदिर का ही पार्ट है। महामंदिर में दिव्यांश 11 नवंबर 1998 को लाए गए थे और सुधाबेन सुंदरम ने दिव्यांश को महामंदिर में प्रस्थापित किया है। सुधाबेन सुंदरम पौंडीचेरी में ही रहती है और सुंदरम की बेटी है। 1983 में ओमपुरी की रचना हुई और उसके 15 सालों बाद यहाँ पे दिव्यांश आए। श्री अरबिंदो के श्राइन बीच में बने हुए हैं, जिस पे बहुत अच्छे से फ्लावर्स डेकोरेशन
किया गया है। इसमें श्री अरबिंदो के रिलिक्स है और बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ पे शाम को मेडिटेशन करने का एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि चारों तरफ जो प्रकृति है वो चीर निंद्रा में सो गई होती है, और इस समय यहाँ पे ध्यान करना एक अलग ही अनुभव देता है। माँ का ऑर्गन म्यूज़िक और चंद्रमा का शीतल प्रकाश अंतर के सभी कोलाहलों को शांत कर देता है। ओम पुरी में प्रतिवर्ष दो शिविर होती है। एक शिविर मई में आयोजित की जाती है और दूसरी शिविर नवंबर में होती है। इस महामंदिर के चारों तरफ चार स्तंभ बने हुए हैं। इन चारों स्तंभों का खात मुहूर्त 25 मई 1990 में हुआ था। ये चार स्तंभों को जोड़ के प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया है। इस प्रदक्षिणा पथ पे चल के आप महामंदिर की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। दर्शन डेज पे प्रदक्षिणा पथ पर मार्च पास्ट भी की जाती है। दर्शन डेज पे महामंदिर को और प्रदक्षिणा पथ को दियों से सजाया जाता है। महामंदिर से निकलते ही आप प्रदक्षिणा पथ पे चल सकते हैं। मैं अभी महामंदिर को देखते हुए प्रदक्षिणा पथ पर चलते हुए निकुंज की तरफ जा रहा हूँ। पहले जब यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बना नहीं था, तब सबसे पहले ओमपुरी में ये निकुंज बना हुआ था। सुंदरम जो भी वार्तालाप करते थे वो यहाँ पे निकुंज पे आके ही करते थे। तो ओमपुरी का सबसे पुराना स्थल जो हम कहें तो ये निकुंज है। इसी जगह पे सुंदरम के वार्तालापों का लाभ कई सारे साधकों ने लिया है। ये महास्तंभ है जो महामंदिर के चारों तरफ ऐसे चार स्तंभ लगाए हुए हैं। मैं फिर से प्रदक्षिणा पथ पर महामंदिर को देख रहा हूँ और प्रदक्षिणा पथ पर चलते हुए अब स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ये ओमपुरी की स्कूल है। यहाँ पे 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। माँ और श्री अरबिंदो के जो शिक्षण के विचार है और आश्रम में जो स्कूल है उसी विचारधारा पर ये स्कूल बनाई गई है। ओमपुरी में ये स्कूल 2003 से कार्यरत है।
ओमपुरी में अपनी गौशाला है और आश्रम के डाइनिंग में जैसे दोपहर को और शाम को खाने में दूध मिलता है, उसी तरह जो साधक ओमपुरी आते हैं उनको शाम के खाने में दूध दिया जाता है। ओमपुरी में जो साधक है वही गौशाला संभालते हैं। काफ़ी अच्छी ब्रीड्स की गाय यहाँ गौशाला में है। प्रदक्षिणा पथ पर चलते हुए अब हम फिर से मेडिटेशन रूम और ओल्ड गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम रेसिडेंट एरिया की तरफ जाएंगे। ये रास्ता जाता है सीधा रेसिडेंट एरिया की तरफ और डाइनिंग की तरफ। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और सामने जो मकान दिख रहे हैं वहीं पे रेसिडेंट एरिया है। शिविर के वक्त जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ये साधकों को अलॉट किए जाते हैं। चारों तरफ रहने के लिए ही मकान बने हुए हैं। ओमपुरी में जो साधक दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। ओमपुरी में डाइनिंग की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम का खाना यहाँ डाइनिंग पे ही मिल जाता है। अब मकान के जो रूम है वो देखते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी के बीच ये मकान बने हुए हैं और इसमें रूम की भी सभी फैसिलिटीज़ हैं। माँ और श्री अरबिंदो के फोटोज़ सभी मकान में है। ओमपुरी ऐसी नगरी है जिसको छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। अगर आप गुजरात आए तो गुजरात की यह माँ की एकमात्र नगरी आपको देखनी ही रही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो और ओमपुरी नगरी कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री माँ।